20 मिनट है। कई बार अतीत वर्तमान को विषय के विश्लेषण में अपने स्वयं की कार्य की शैली को प्रतिपादित करने के लिए चारित्रिक बोध करा देता है। आज सदन की गरिमापूर्वक उपस्थिति में मैं हमारे भारत के सांसद आदरणीय सत्यपाल सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानीय सभासद, ये सदन लोकतंत्र का शिरोधार्य मंच है। यहां की गरिमा और यहां का गौरव लोकतंत्र का मान है। सदन के भीतर की बात सदन के बाहर के राष्ट्र और प्रदेश की दिशा और दशा का प्रतिबिंब है। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से स्वस्थ, स्पष्ट और प्रखर संवाद इस सदन को सार्थकता प्रदान करता है। इन विचार और विचारधाराओं के मध्य आपका स्वयं का आलोकीकृत आपके चिंतन की उस मानसिकता का प्रतिपादन करता है जिसको शैक्षणिक व्यवस्था से विद्या का अनुमूलन प्राप्त हुआ है। आज उस विषय के प्रस्तुतिकरण में जिस भाषा का आप उपयोग करते हैं, उस शब्द के वर्णमाला से, जिस व्याकरण की सेतुधार से आप इस सदन में अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, वो सदन को मर्यादा प्रदान करता है। आपका और हमारा सदन संसदीय प्रणाली के माध्यम से संविधान के तीसरे चैप्टर का आर्टिकल 168 से अभिप्रीत। संसदीय प्रणाली में ये एक दुर्लभ दशा और है कि वाद विवाद कई बार कोलाहल में प्रकट हो जाता है और जिस वाद विवाद के माध्यम से एक सार्थक व्यवस्था का शैक्षणिक उत्सर्जन होना चाहिए, जिससे कि इस राज्य की जनता को अविलंब कष्टों के निराकरण का या नई योजनाओं का लाभ मिले, वो बहुधा आचरण सिर्फ ध्वनि में प्रकट हो जाता है। आपको और हमको इस बात का स्मरण होना चाहिए कि गुलामी की उस कालदंश से प्रजातंत्र ने आपको एक ऐसी व्यवस्था दी है कि लोक का उपकार करने के लिए उस करुणामयी व्यवस्था से आपको सुशोभित किया है। आपके माध्यम से आपके प्रदेश की जनता अपने कष्टों का निराकरण की अपेक्षा तो रखती ही है, लेकिन लोक कल्याण के लिए नीतियों का और संविधान के सम्मत अपने शक्तियों को आप में निहित कर उनके लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रति वो आपसे अपेक्षा भी रखती है। न्यायिक केतर संस्कृति से अभिप्राप्त वो सारी कामुक शक्तियां जिनका आविष्कार उपनिवेशन काल में इस भारत के खंड के मूल नागरिक को पराधीनता की मानसिकता में विमोचित करने के लिए हुआ था, आज इस लोकतंत्र की वर्तमान व्यवस्था में एक काल भ्रम सा प्रतीत होता है। लेकिन सत्यता यह भी है कि जिस व्यवस्था के माध्यम से आप और आपके सहयोगी इस सदन के सदस्य बने हैं,
आपको लोक हित की मर्यादा का को ध्यान में रखकर अपने आचरणों से उसको प्रतिपादित करना है। व्यवस्था इस बात की है कि दलों की सीमाओं से बाहर निकलने की चेष्टा नहीं होती, दलों की सीमाओं में कहीं ना कहीं संविधान की घुटन इस देश को वो दिशा प्रदान नहीं कर पा रही है जिसकी आज इस देश को सर्वाधिक आवश्यकता है। स्मरण करिए, ये वही देश है जिसने महात्मा गांधी को जैसा व्यक्तित्व दिया, जिसने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व दिया, जिसने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्तित्व दिया, जहां संवाद के आदान प्रदान से भारत के 5 दशक ऐसे निकले कि संविधान की धुरी पर संसद और यहां के विधानसभाओं ने अपना उत्कृष्ट व्यवस्था भी प्राप्त करी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप इस सदन की परंपरा और यहां के नियमों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उत्कंठा होती है अगर कोई विषय हमारे बीच में आए और हम उसको सदन में प्रस्तुत करने के लिए आतुर हो जाए, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर उस विषय को सदन में रखें कैसे। आपको एक हरी किताब दी जाएगी, वो इस सदन के नियमों के संबंधित है। प्रतिपक्ष को यह आतुरता रहती है कि सत्ता पक्ष में हम अल्पसंख्यक व्यवस्था के प्राणी हैं, इसलिए हमारी बात हम किस प्रकार से रखें। आपको रूल 50 उस किताब में है, रूल 50 का इस्तेमाल कर आप अपनी व्यवस्था को अंजाम दे सकते हैं। सत्ता पक्ष का सदस्य भी यह मानता है कि आखिर मैं सत्ता में हूं, लेकिन मेरे को मुझे अपनी बात को अभिव्यक्त करने का जो उस कार्यसूची में उस दिन नहीं है, लेकिन कुछ विषय ऐसा है, रूल 127 है। अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं उस विषय के संबंध में अपनी बात को अपनी तरीके से कहना चाहता हूं, तो 295 है। लेकिन 295 में जो बात लिखी गई है आपको वही पढ़नी पड़ेगी, उसके अलावा आपको विषय में अगर कोई बात जानकारी प्राप्त करनी है, आपके पास में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जैसा 131 है, और आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, आपके पास में 294 भी है। 294 किसी भी समय इस्तेमाल हुआ किया जा सकता है, लेकिन परंपरा यह है कि प्रश्नकाल में 294 इस्तेमाल नहीं होता। आपको 1 घंटे का धैर्य रखना पड़ेगा, 294 पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आता है। अगर आपने ऐसी कोई व्यवस्था देखी, आपने ऐसा कोई भी कृत्य देखा विधानसभा के अंदर या सरकार का एक ऐसा कृत्य देखा जो संविधान के संबंध में नहीं है, तो 294 का आप उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन 294 का उल्लेख करने से पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि 294 है क्या। इससे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि जब सरकार की तरफ से कोई भी विधेयक आता है तो विधेयक के नियम क्या है, उस विधेयक की पहली रीडिंग, सेकंड रीडिंग और पारण के समय कहीं आपको ऐसा लगता है कि वैधानिक कार्य में त्रुटि हो रही है, अब 294 का इस्तेमाल करिए। लेकिन इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी होगी। आपको संविधान यह अधिकार देता है कि आप राजस्थान की जनता के गार्जियन भी हैं और कस्टोडियन भी हैं, उनके संपूर्ण हितों का संरक्षण आपका दायित्व है, और उनका जो स्वयं का धन है उसके आप कस्टोडियन भी हैं। एक पैसा राजस्थान की सरकार नहीं खर्च कर सकती जब तक आपकी स्वीकृति ना हो। और जिस प्रकार से आपने स्वीकृति दी है उसी प्रकार से उसका और उसी विषय पर उसका खर्चा होना चाहिए।
लेकिन ये जानकारी नियम में होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी फिलोसोफर को एक बात पूछी गई, शांति या पीस किसे कहते हैं? तो प्रश्न ये था कि क्या एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को पीस कहते हैं? तो उसने जवाब दिया, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पीस नहीं है, वैक्यूम है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस विच इंश्योर्स द पीस। जस्टिस का फाउंटेन कहां है? जुडिशरी है। जुडिशरी को व्याकरण कौन देता है? ये सदन देता है, क्योंकि यहां से ही वैधानिक नियम और विधि का उत्सर्जन होता है। इस व्यवस्था को अगर आप सही ढंग से समझ लेंगे तो नियम आपको पता पड़ जाएंगे। अब आपके आचरण की बात आती है। आपको यह अधिकार दिया है संविधान में कि इस सदन के पटल पर और इस सदन के फ्लोर पर जो भी आप बात अभिव्यक्त करोगे, इस सदन से बाहर कोई भी नियम हो आप पर लागू नहीं होंगे। लेकिन इस सदन का भी नियम है, सदन में कही हुई बात पर न तो कानून आप पर प्रभावी है, न उस कही हुई बात पर आपको कोई प्रताड़ित कर सकता है। लेकिन सदन का नियम है, सदन का अध्यक्ष आपको प्रताड़ित कर सकता है। इस सदन के भीतर आने के बाद में जो आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे जिनके वर्दी हो, वो भी वर्दी खोलकर अंदर आते हैं, या कोई भी अधिकारी जो पुलिस विभाग का है, क्योंकि वर्दी आज राज्य में उन्हीं के पास में है, वो उस वर्दी में अंदर नहीं आता, चाहे वो डीजी रैंक का क्यों ना हो, वो वर्दी सिविल कोर्ट क्लोथ्स में आता है। जितने आपके प्रहरी हैं ये सब कॉन्स्टेबलरी के हैं, लेकिन इनका पहनावा अलग है, क्योंकि यहां आपका अनुशासन है, यहां आपका नियम है, इस सदन का नियम है, और यहां की संप्रभुता इस सदन के अध्यक्ष के पास निहित है। आप मुझे बताइए कि किसी भी विधायकी कार्य में आपकी क्षणिक अनुपस्थिति, जो आदरणीय सांसद महोदय फरमा रहे थे, क्षणिक अनुपस्थिति उस विधेयक के दिशा को कहीं और ले जा सकती है, उस विधेयक के पारण के समय जब आप हां में हैं या ना में, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जिस चीज की सहमति या असहमति दे रहा हूं उसका मूल सार क्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस राजस्थान के 8 करोड़ से ज्यादा की जनता ने आपको अपने 5 साल का भविष्य निहित कर दिया है। आपका एक एक पल उस ऋण का ब्याज चुका रहा है। संपूर्ण ऋण आप नहीं चुका पाएंगे, लेकिन 5 वर्ष में जितना समय आप यहां देंगे उतना अपने कर्तव्य का बोध आप कराएंगे जिस जनता ने आपको भेजा। सदन के भीतर की उपस्थिति अनिवार्य स्वरूप से होनी चाहिए, यह आपके जनप्रतिनिधि की आत्मा है। आपका शरीर अगर लॉबी में घूम रहा है तो मान लीजिए जिसने आपके साथ में विश्वास किया है उसके साथ आप ठीक विश्वासघात कर रहे हैं। आचरण से आपके शब्दों के अंदर, साहित्य से निश्चित वो सुचिता का स्पर्श होना चाहिए जिससे बोध हो कि वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा करने वाले राष्ट्र की सभ्यता, उसके वहां के नागरिक को भी सुचिता का शब्दावली और व्याकरण प्रदान करती है। क्योंकि समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं ज्यादा आपके सामने कोई विवेचन नहीं रखूंगा। मैंने कुछ नियमों का उल्लेख किया है, आप उन नियमों को विस्तृत रूप से आप पढ़िए, आपको पता लगेगा कि कहां कहां आपकी आवश्यकता है।
इस सदन को चलने में आपकी एक एक पल की आवश्यकता है, आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है, आपकी सहमति की आवश्यकता है, आपके विचारों की आवश्यकता है। और जब आपके विचार आप प्रदान करते हैं तो आपके आचरण से समस्त प्रदेश भी लाभान्वित होता है, उनको आपके आचरण की भी आवश्यकता है। सभ्यता किताब से नहीं चल मिलती, सभ्यता शास्त्रों में निहित नहीं है, सभ्यता आपका जीता जागता चलचित्र है, आप उसका चलचित्र हो। आप जैसा आचरण करेंगे आपका प्रतिबिंब वैसा ही होगा। आपका एक व्यक्तिगत आचरण इस सदन के आचरण में निहित हो जाता है, वो सदन का आचरण बन जाता है। कोलाहल करना, नारे लगाना, ये आपका अधिकार नहीं है। नारे लगाने का अधिकार उस जनता का है जो उसको लोकप्रिय लगता है, उसके नारे लगाती है। वो सदन में आपको इसलिए नहीं भेजती कि आप अपने नेताओं के नारे लगाओ। एक एक पल जो सदन चल रहा है और एक एक पल जो सदन का समय व्यतीत हो रहा है, इसमें जो अर्थसिंचन हो रहा है वो भी उस जनता का है। आपको उस परंपरा का निर्वाह करना पड़ेगा। प्रजातंत्र की जननी भारत को कहा गया है, लेकिन जननी होने के उपरांत आपको सभ्यता के आचरण को भी प्रतिपादन करने की क्षमता अपने आप को प्रदान करनी पड़ेगी। मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। करुणाजनक उद्देक का धर्म जनप्रतिनिधि है, पर दुखातरता और परोपकार में संलग्नता उसका कार्यात्मक प्रतिफलन है। जन सामान्य की व्यथा और वेदना के समाहार के लिए जब उच्च व पवित्र कार्यक्रमों का सृजन करते हो और उस समाज के संताप को परिहार के लिए योजनाओं और नियमों के माध्यम से जब आप अपने कार्य का, सदन अपने कार्य का संचालन करता है, तो वास्तव में लोकतंत्र का अभ्युदय होता है। और लोकतंत्र के अभ्युदय का शीर्ष स्थान ये सदन है। विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन है कि सदन की गरिमा उस पृथ्वी के, सृष्टि के उस रचेता जैसी गरिमा है। ये राष्ट्र इस सदन को नमन करता है, ये प्रदेश इस सदन को नमन करता है, लेकिन इस सदन की गरिमा आपके हाथों में। आप सदन को कैसे नमन करते हैं ये आप पर निर्धारित है। आपने ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय श्री राव राजेंद्र सिंह जी का। अब माननीय सदस्य डॉक्टर सुभाष जी गर्ग से आग्रह है कि आप डॉक्टर सतपाल सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष जी गर्ग। अब माननीय सदस्य श्री हरिमोहन जी शर्मा से आग्रह, कृपया आप श्री राव राजेंद्र सिंह जी को उपहार भेंट करें, स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत आभार। अब अगला विषय जी, आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का, डॉक्टर राव श्री राव राजेंद्र सिंह जी का। अब अगला विषय है संसदीय समितियां एवं उनका कार्यकरण। इस विषय पर अपना उद्बोधन देने के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर सीपी जोशी साहब, पूर्व माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा।
कुछ ही क्षणों में डॉक्टर सीपी जोशी साहब हमारे मध्य होंगे। डॉक्टर सीपी जोशी साहब, आपसे आग्रह, कृपया। और आपके साथ सानिध्य है श्री वासुदेव जी देवनानी जी का, माननीय अध्यक्ष। डॉक्टर सीपी जोशी साहब संसदीय समितियां एवं उनका कार्यकरण विषय पर अपना उद्बोधन देंगे। पहले माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी से विनम्र आग्रह है, कृपया आप माननीय श्री डॉक्टर सीपी जोशी साहब को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। डॉक्टर सीपी जोशी साहब का एक संक्षिप्त परिचय। आप 7वीं, 8वीं, 11वीं, 12वीं व 15वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे हैं। आप भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं। आप केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री, केंद्रीय सड़क मंत्री व अन्य विभागों के भी मंत्री रहे हैं। आप राजस्थान सरकार में समय समय पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज शिक्षा विभाग सहित अनेक विभागों के मंत्री रहे हैं। आप 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रतिष्ठित अध्यक्ष भी रहे हैं। आपके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा निरंतर सक्रिय रही। इस दौरान राष्ट्रीय, संवैधानिक व संसदीय महत्व के विषयों पर अनेकानेक सेमिनार आयोजित किए गए। आपसे विनम्र आग्रह, कृपया संसदीय समितियां एवं उनका कार्यकरण विषय पर अपना उद्बोधन प्रदान करें। सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष